कहेंगे हमने किसी पे भी क्लिक नहीं किया, कोई सा भी फोल्डर हमने सिलेक्ट नहीं, तब भी आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। अगर अभी आप इस पे क्लिक कर देंगे तब क्या होगा, जितना भी आपका डिलीटेड डेटा है, मतलब जितना भी आपका रिसाइकल में डेटा है, पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा एक साथ। लेकिन आप चाहते हैं इनमें से आपको जो डेटा रिस्टोर करना है कुछ नहीं करना है, तब आप क्या करेंगे, जैसे हम ये तीनों फोल्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं, बाकी किसी को भी नहीं करना चाहते, अगर अभी आप यहाँ से क्लिक करते हैं तब भी ऑल डेटा रिस्टोर होता है, आप कंट्रोल ए करेंगे तब भी ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, होता है। अब जैसे आपने एक पे क्लिक किया, अब आप दूसरे पे क्लिक करिए, तब क्या हुआ, पहले वाले पे से सिलेक्शन हट गया। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले एक फोल्डर पे क्लिक करना है, कीबोर्ड में आपको कंट्रोल की दी रहती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी है राइट हैंड साइड पे भी, आप कंट्रोल की प्रेस करना। अब आप सेकंड फोल्डर पे क्लिक करना, तो थर्ड पे करना, देखिए तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आप तीनों को रिस्टोर करना चाहते हैं, ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, जितने भी आपके आइटम यहाँ सिलेक्टेड है आप उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर दें तो आपके वो आइटम यहाँ पे रिस्टोर होके आ जाएंगे, तो वो आइटम आपके देखिए यही थे, ये तीनों थे, देखिए रिस्टोर हो गया आगे इतना तो आपको आ जाएगा, आ जाएंगे। अब आप चाहते हैं जब आप कोई सा फोल्डर डिलीट करें तो वो अपने कंप्यूटर में से परमानेंट डिलीट हो जाए, मतलब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए। अगर अभी अपन रिसाइकल बिन में से कोई सा फोल्डर डिलीट करते हैं, डिलीट होने के बाद कहाँ आता है, रिसाइकल बिन में, आप रिसाइकल बिन में से डिलीट करेंगे तब तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ऐसा ही होता है। जब आप मोबाइल से कोई फोटो डिलीट करते हैं दूसरी फाइल में जाता है, जब आप वहाँ से डिलीट कर देते हैं तब आपके मोबाइल से फोटो पूरे तरीके से चला जाता है, फिर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही अगर आप इसमें करना चाहते हैं, अपन ने इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप इस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, ये अपन कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, रिसाइकल बिन में से, आपने कर दिया यस, तो ये फोल्डर आपका परमानेंट डिलीट हो गया। लेकिन अपन इसमें क्लोज कर देते हैं, आप क्या जब हम डेस्कटॉप पे से ये फोल्डर डिलीट करें तो ये यहीं से डायरेक्ट डिलीट हो जाए, मतलब ये यहाँ से रिसाइकल बिन में ना जाए, इतनी लंबी प्रोसेस आपको ना करनी पड़े, पहले आप यहाँ से डिलीट करें फिर आप रिसाइकल बिन में से करें, इतनी लंबी प्रोसेस आपको ना करनी पड़े। तब आप क्या करना, इस फोल्डर पे क्लिक करना, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की के साथ डिलीट की प्रेस करना, शिफ्ट की है शिफ्ट के साथ डिलीट, तो आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट, इससे पहले हम आपका रिसाइकल बिन का डेटा डिलीट कर देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रिसाइकल बिन पूरा खाली कुछ भी नहीं, अब अपन इस फोल्डर पे अगर क्लिक करके डिलीट कर दिया तो आपका रिसाइकल बिन में आए, सॉरी तो आपका रिसाइकल बिन में आए, लेकिन अब इस फोल्डर का नाम क्या है, न्यू फोल्डर, हमने इस पर क्लिक किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ डिलीट कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, हमने कर दिया यस। अब आप देखिए ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं था क्योंकि अपन ने इसको परमानेंट डिलीट कर दिया। अब आप लोग इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, आ जाएगा सब।